भारतीय जनता पार्टी शुरू से जनहित के मुद्दों पे कभी बात नहीं करती। जन सरोकारों के मुद्दों को उठाने से भारतीय जनता पार्टी परहेज करती है। वो धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, लोगों में भावनात्मक चीज़ों को डेवलप करके उनका ध्रुवीकरण करके चुनाव लड़ती है। अब देखिए कि मोदी जी 2014 में जब सरकार में आए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को लुभावने वादे किए, लेकिन 2019 में किसी भी वादे पे, ना बेरोजगारी पे बात किया उन्होंने, ना किसानों के कर्ज माफ़ पे बात किया उन्होंने, ना उन्होंने महंगाई कम करने की बात की। राष्ट्रवाद पे आए, कभी राम मंदिर पे, कभी राष्ट्रवाद पे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई स्पेस है ही नहीं। हमारी सरकार भगवान राम के मनगमन के लिए काम कर रही है, हमारी सरकार माता कौशल्या के मंदिर के लिए काम कर रही है, हमारी सरकार गो संरक्षण के लिए काम कर रही है, और विकास तो हमारी सरकार का प्रमुख एजेंडा है। किसानों का विकास, उनकी फसल का पूरा कीमत देना, आदिवासियों का विकास, उनके लिए शिक्षा, समृद्धि और आर्थिक रास्ते खोलना, महिलाओं का विकास, युवाओं के लिए पिछले 4 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देना, सरकारी नौकरी के बंद द्वार खोलना। हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कोई स्पेस दिया ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दा विहीन है। इससे कहीं कहीं संघ बेनकाब हुआ है। मोहन भागवत छत्तीसगढ़ आए थे और संघ अपने आप को गैर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बताता है। वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में है कि छत्तीसगढ़ के भगवान राम भांजे थे। संघ अपने आप को हिंदूवादी संगठन बोलता है। भगवान राम हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य देव हैं, उनका ननिहाल है छत्तीसगढ़। यदि एक हफ्ते के लिए आप यहाँ पे आए हैं, सांगठनिक गतिविधियों के लिए आए हैं, पूरा का पूरा संघ यहाँ पे आया हुआ है, तो क्या आपके कार्यक्रम में माता कौशल्या मंदिर देखने की लालसा क्यों नहीं आई? आप गायों के संरक्षण की बात करते हैं। एक ऐसी सरकार है जो गोधन न्याय योजना की धूम सब जगह है। 8 भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें उसको अपने यहाँ लागू कर रही हैं। देश भर की तमाम राज्य सरकारें उसका अध्ययन करने आई। क्या संघ के छत्तीसगढ़ के लोग मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने चले गए थे? तो क्या संघ प्रमुख और संघ के राष्ट्रीय नेताओं को नहीं मालूम था कि हमको चल के यहाँ गोठान देखना चाहिए? उत्सुकता वो उसी देखने आते तो नहीं गए। इससे साबित होता है कि संघ के सारे एजेंडे सिर्फ दिखावा मात्र हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया संगठन है। कांग्रेस के लोग जितना अभिनय करते हैं शायद उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। भगवान राम का नाम लेने से ये लोग डरते थे कि कहीं एक स्पेसिफिक वोट बैंक नाराज ना हो जाए। कांग्रेस के किसी नेता ने कभी नहीं कहा कि जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ वहां मंदिर बनना चाहिए। अलबत्ता किसी न किसी तरीके से कांग्रेस से जुड़े नेता कोर्ट में जाते रहे कि इसकी पेशी मत करिए, निर्णय मत दीजिए। तो ऐसा जो कुकृत्य करने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी को न बताए कि भगवान राम क्या है, वो कालनेमी का जो रूप लेकर के काम कर रही है, जनता उसे जानती है। जहां तक बात है गौ माता की, आज भी प्रतिदिन चौराहों पर, चौक पर, रास्तों पर गौ माता की मृत्यु हो रही है। ये पशुधन सड़कों पर है, गौठाने तो खाली पड़ी हैं, ताला लगा हुआ है, और गाय माता के नाम से, गोधन न्याय योजना के नाम से आपने एक योजना को शुरू किया, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार किया। आपने पहले वादा खिलाफी की, गंगा जल का अपमान किया, और फिर गोधन अन्याय योजना के माध्यम से आपने गौवंश का अपमान करने का काम किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई मामले गोबर खरीदी में सामने आए हैं। तो ऐसे में आपने हमेशा भगवान राम, गौवंश, भारतीय संस्कृति, इसका अपमान ही किया है। और ये आज से नहीं, आप पिछले 7 दशकों से कर रहे हैं, इसीलिए आपके पाप धुल नहीं सकते, आप कितना भी अभिनय कर लें। मुद्दा कुछ था नहीं छत्तीसगढ़ में, ये सब कोई मुद्दा तीनों काम नहीं कर रहा था। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब आई, कांग्रेस ने चीज़ को भांप लिया कि भविष्य में जो है ये सारे मुद्दे जो है खड़े हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले से ही प्रयास किया। राम को छीनने के लिए उन्होंने राम वनगमन पथ बनाने की घोषणा की, और राम को छीनने के लिए उन्होंने कौशल्या माता का मंदिर बनाने का प्रयास किया, और बाकायदा इस बात का प्रचार किया कि रामचंद्र को मानने वाले उनकी माता के गांव भी तो आओ, अपने उनकी माता के दर्शन भी तो करो, एक प्रश्न पैदा किया। दूसरी चीज़ जो है वो राम
के ऊपर राजनीति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी भविष्य में, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन देखिए, राम की राजनीति या धर्म की राजनीति छत्तीसगढ़ में तो अब तक प्रभावशाली नहीं रही है। कभी कह रहे हैं कि मोदी जी के काम पर हम जाएंगे चुनाव में, कभी कहते हैं कि रमन सिंह के 15 साल के काम पर जाएंगे। वास्तविकता क्या है कुछ समझ में आती नहीं। अभी इतने चिंतन मनन के बाद में जो बात आई है सामने कि लोगों में चर्चा चली कि रमन को बाहर कर रहे हैं, रमन को बाहर कर रहे हैं, लेकिन रमन सिंह का जो कद दिखा है आप सबके सामने है, बगल में बैठाया गया, फिर किसी के घर नहीं गए लेकिन नड्डा जी उनके घर गए, तो ये एक इशारा होता है। राजनीतिक व्यक्ति कभी भी बोलता कम है, इशारे ज़्यादा करता है, तो ये इशारा है कि रमन सिंह का कद जो है वो कहीं कम नहीं हुआ है, तो उनके नाम से भी लड़ा जा सकता है। भविष्य कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ कि ना राम मंदिर से, ना आपके कौशल्या माता के मंदिर से, न राम के छीनने के नाम पर, न राम वन गमन के पथ के नाम पर, किसी भी चीज़ में जो बातें आप कह रहे हैं उसमें जनहित का कोई मुद्दा है ही नहीं। आपसी संदर्भ का मामला है कि हम बड़े कि तुम बड़े, हमारा राम कि तुम्हारा राम, न राम से किसी का भला होने वाला, राम को मानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन उनका भला होने वाली जनहित कोई हो जाए या जनता का कोई हित हो रहा है इसमें,